औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे YouTube चैनल SJB खाना खजाना में आप सबका स्वागत है। आज हम ठंडे के मौसम आ रहा है, आज हम सेवती का फूल कैसे लगाएं, हम दिखाते हैं किस तरीक़ा से लगाएं। इसका प्रोसेस हम आप सबको आज बताएंगे किस तरीक़ा से लगाते हैं। चलो देखते हैं। हम इसके लिए एक हिस्सा मिट्टी लेंगे, एक हिस्सा बालू लेंगे, एक हिस्सा गोबर का खाद लेंगे। उसे हम सुखाकर, गोबर का खाद को सुखाकर चला लिए हैं। उसको हम तीनों को एक बराबर हिस्सों में बांटकर उसे हम कैसे किस तरीक़े से लगाते हैं, चलो दिखाते हैं। इस तरीक़े से लगाने से गाछ हमारा बहुत ही सुंदर फूल देता है, इसमें फूल आता है। देखो, हम मिट्टी को चलाकर एक डब्बा लिए हैं मिट्टी को, मिट्टी से, और एक डब्बा बालू से लिए हैं। सब चीज़ों को हम एक छलनी में चलाकर सबको हम रख चुके हैं, और एक डब्बा गोबर का खाद लिए हैं। ये सारे चीज़ों को हम एक बराबर करके इसको हम अच्छी तरीके से मिलाकर ये सारे तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे एक दूसरे के साथ। उसे एक हम गमला में लगाएंगे। किस तरीके से लगाते हैं, चलो दिखाते हैं। आप इस तरीके से लगाएंगे जब बहुत ही उसका खूबसूरती से फूल उठता है, उगता है। इसके लिए हम एक गमला लेंगे, ये सारे चीज़ों को हम अच्छी तरीक़े से मिला लेंगे एक दूसरे के साथ। उसके बाद हम एक गमला लेंगे, गमला में इस तरीक़े से हम कुछ एक गमला का टुकड़ा होता है, टूटा हुआ गमला का, उसको हम होल का ऊपर इस तरीक़े से गमला लेंगे। इस गमले में हम इस तरीक़े से गमला का एक एक जो टूट जाता है उसे हम इस तरीक़े से रख लेंगे, उसमें पानी जमेगा नहीं। उसमें हम सारे इस तरीक़े से मिला हुआ खाद और मिट्टी को इसमें हम सारे आहिस्ता आहिस्ता करके 2 इंच छोड़ देके हम इसे भर लेंगे। इस तरीक़े से हम दबाते हुए मिट्टी को भर लेंगे। उसके बाद हम पहले से हम गाछ को लगा के रखे थे अगले साल का, इसको इस तरीक़े से हम तोड़ लेंगे। तोड़कर उसका ऊपर से 3 पत्ता रखेंगे, नीचे से सारे पत्ता निकाल लेंगे, और इसको इस तरीक़े से दबाते हुए इस मिट्टी में लगा लेंगे। अगस्त महीना में इस फूल गाछ को लगाने से जनवरी को सारे फूल इसमें आ जाता है। इस तरीके से हम लगा लेंगे, एक गमला में 8-10 लगा लेंगे। एक एक करके हम सारे गाछ 3-3 पत्ता ऊपर रखेंगे और हर पत्ता को तोड़ लेंगे। सारे गाछ इस तरीक़े से लगा लेंगे। फिर एक गमला में हम और एक कलर का लगाएंगे,
वाइट, थोड़ा सा लाइट ग्रीन उसका पत्ता होता है और ब्राउन थोड़ा सा डीप उसका पत्ता होता है। ये वाइट है, इसमें बहुत ही सुंदर फूल आता है। इस तरीके से हम इसके डांडी को तोड़ लेंगे, डंडी को, और इसके सारे पत्ते इस तरीके से निकाल लेंगे। एक एक करके गाछ इस तरीके से लगा लेंगे, लगा कर फिर दिखाते हैं फिर क्या करेंगे। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल लेंगे, जैसे 15 से 20 दिनों के बाद हम फिर दिखाते हैं क्या करेंगे। इस तरीके से हम 15 से 20 दिन तक एक ही गमला में रखेंगे, उसके बाद अगला गमला में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके से छिड़कते हुए हम इसमें पानी दे देंगे, फिर दबा दबा लेंगे इसका जड़ को, दबा दबा देंगे इस तरीके से, दबा लेंगे सारे गाछ का जड़ को। फिर दिखाते हैं 15-20 दिन के बाद का क्या करते हैं, फिर दिखाएंगे। मेरी वीडियो अच्छे लगता है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। सब्सक्राइब करना क्या होता है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। अल्लाह हाफिज़।